भारत को अपनी कला और संस्कृति के बल पर पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति को मंच प्रदान करने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी में जिला शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय कला उत्सव का विधिवत समापन हो गया। आयोजित समारोह में जिला के विभिन्न स्कूली बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला की प्रस्तुति की। समापन समारोह की अध्यक्षता मंडी जिला के उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार शर्मा ने की और प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कला उत्सव के समापन अवसर पर उपस्थित बच्चों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि कला और संस्कृति के विषय में किसी प्रकार की कोई हार जीत नहीं होती। इसमें जिसे मंच मिला वह भी उतनी ही बधाई का पात्र है जितना कि बाकी कला प्रेमियों को। शर्मा ने कहा कि हमारी कला और संस्कृति ही हमारी धरोहर है और आज के समय में इसे संजोने की आवश्यकता है, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। उच्च शिक्षा उपनिदेशक ने सभी से अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और बच्चों से इस प्रकार की गतिविधियों में लगातार भाग लेते रहने का संदेश भी दिया। जो आज नारा दे रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर ये है, ये था भी, है भी और रहेगा भी देवगुरु कला और संस्कृति के बदल हमने सुन रही, तो आपको ढेर सारी बधाई। इससे आप जुड़े रहे, भरपूर आनंद लें, गीत का, संगीत का, मंचन का, ये सबसे बढ़िया माध्यम है समाज के लिए, देश के लिए और अपनी इनलाइटनमेंट के लिए। अपनी इनलाइटनमेंट के लिए ये सबसे बढ़िया माध्यम है। हम भी मंत्र बोलते हैं तो पढ़ते नहीं है, संगीत डेवलप होता है, पहले ओम का उच्चारण जरूर करेंगे तब कहीं रियलाइजेशन होगी गॉड की। किसी को मिली हो गलत तो उसको पता होगा। तो यू मस्ट फील प्राउड इट, स्प्रेड इट थ्रू योर नोबल प्रोफेशन, यू आर एजुकेशनिस्ट। बहुत बढ़िया हमें बच्चे मिलते हैं, बिल्कुल कोरे कागज, बढ़िया बढ़िया होते हैं ना, इनकी हृदय के ऊपर, मांस पटल के ऊपर, बौद्धिक पटल के ऊपर, आत्म पटल के ऊपर। गौरतलब है कि 2 दिन तक चले कला उत्सव में जिला के सरकारी स्कूलों के लगभग 150 बच्चों ने गीत संगीत, लोक नृत्य, नाटक व विजुअल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लिया।